हेलो फ्रेंड्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक हेल्दी अरेबिक डेज़र्ट तलबीना की रेसिपी, जिसे तलबीना की खीर के नाम से भी जाना जाता है। प्रोफेट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा डेज़र्ट में से एक डेज़र्ट है तलबीना। आप हमेशा रिकमेंड करते थे कि तलबीना खाओ और खिलाओ। यकीन मानिए, एक बार जब आप इस डेज़र्ट को बनाएंगे तो बार बार इसे बनाकर खाने को दिल चाहेगा। अगर आप आयुर्वेद और यूनान से जुड़ी हुई जानकारी रखते हैं तो आपको इसके मेन इंग्रेडिएंट यानी कि जौ के फ़ायदे पता ही होंगे। साथ ही में इसमें ऐड की जाने वाली खजूर और शहद इसके हेल्थ बेनिफिट्स को और भी बढ़ा देते हैं। तलबीना की खीर के फ़ायदों के बारे में अगर बात करें तो ये डिप्रेशन और स्ट्रेस को दूर करती है, उदास दिल की उदासी को दूर करके सुकून देती है, इम्यून सिस्टम मजबूत करती है और कमज़ोरी दूर करती है, खून में हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने में मदद करती है। अगर आपके बच्चे ग्रोइंग है तो उनकी ग्रोथ को बढ़ाने में और दिमाग को तेज़ करने में मदद करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और डाइट्री फाइबर पाए जाते हैं। तलबीना न कि बीमारों के लिए बल्कि तंदुरुस्त इंसान के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं आपको इसके सारे फ़ायदे तो नहीं बता सकती। इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस हेल्दी और टेस्टी अरेबिक डेज़र्ट को कैसे बनाएं। आसान फूड रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तलबीना की खीर बनाने के लिए हमने 100 ग्राम सोख किए हुए जौ लिए हैं। देखिए, इस तरह के कुटे हुए जौ हमें इस्तेमाल करने हैं। ये आपको किसी भी किराना की दुकान में मिल जाएंगे। तो 100 ग्राम जौ को हमें 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह धोने के बाद पूरी रात के लिए भिगो देना है। अगर टाइम की शॉर्टेज है तो आप इसे 4 घंटों के लिए भिगो दें। ओवरनाइट भिगोएंगे तो बेहतर है। खीर बनाने के लिए हमने एक हेवी बॉटम पैन में यानी कि मोटे तले के बर्तन में 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप यानी कि 200 ml पानी। देखिए, आप इसमें पानी ज़रूर से ऐड कीजिएगा क्योंकि इस खीर को बनने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। तो पानी ऐड करने से क्या होगा कि ये दूध की क्वांटिटी को ज़्यादा रिड्यूस नहीं होने देगा। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें एक उबाल आने देंगे। हाई फ्लेम पर एक उबाल आने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे सोख किए हुए जौ। देखिए, जौ ऐड करने के बाद हमें इस खीर को 35 से 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना होता है। आप इसे पकने के लिए छोड़ दें और बीच बीच में आकर हर 10 मिनट में इसे चेक करते रहें ताकि खीर जो है वो बर्तन के तले में लगे ना। तो हम इसे कवर करके पकाएंगे। बस इस बात का ध्यान रहे कि हमें इसे बीच बीच में चेक करते रहना है। लो फ्लेम पर इसे पकते हुए 20 मिनट हो चुकी है। इस स्टेज पर हमें इसमें खजूर ऐड कर देनी है। देखिए, तलबीना की मिठास को खजूर और शहद से ही बैलेंस किया जाता है। इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो हमने यहाँ पर 15 खजूर ली और उसके बीज को निकाल कर हमने इस तरह से छोटे टुकड़ों में खजूर को कट कर लिया है। खजूर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी मेज़र कर सकते हैं। इसमें सारी खजूर ऐड करके अच्छे से इसे क्रश करते हुए हम खीर में मिला लेंगे। खजूर को हमने इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे कवर करके लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए और पकाएंगे। इस खीर को बनाने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, तकरीबन 35 से 40 मिनट तो लग ही जाती है। यानी कि खजूर हम इसमें तब ऐड करते हैं कि जब हमारी जो खीर है वो आधी पकने में आ जाए। इस खीर को लो फ्लेम पर पकते हुए 40 मिनट हो चुकी है। इस स्टेज पर हम इसमें फ्लेवर के लिए 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही में ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स। देखिए, तलबीना में ड्राई फ्रूट्स टोटली ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड करें, नहीं तो स्किप कर दें। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून जितना शहद ऐड कर देंगे।
शहद की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी मेज़र कर सकते हैं। ज़्यादा मीठा पसंद हो तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दें, क्योंकि ट्रेडिशनली इस डिश में मिठास को बैलेंस करने के लिए सिर्फ खजूर और शहद का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको चीनी ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। तो हमने इसमें शहद और ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए और पका लिया। ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी तलबीना की खीर बनकर तैयार हुई है। देखिए आप इसे इस वक्त भी सर्व कर सकते हैं। वैसे तो आप इसे दिन में कभी भी खा सकते हैं, लेकिन जब आप इसे रात को बनाकर अच्छी तरह ठंडा करने के बाद ओवरनाइट फ्रीज में रख देंगे और सुबह में इसे नाश्ते में खाएंगे तो बहुत ही लजीज लगेगी। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो खाने के लिए तैयार है हेल्दी और टेस्टी अरेबिक डेज़र्ट तलबीना, या फिर तलबीना की खीर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिए। अगर आप हमारी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई कर रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए सर्व करने के बाद हम इस खीर को शहद से गार्निश कर लेंगे। ये स्टेप टोटली ऑप्शनल है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और प्लीज़ जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।